वेल गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तीन बजने वाले हैं, सॉरी 3:15 हुए हैं, ठीक है। और आज का सुबह का लाइव सेशन 9:15 का बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये आपके सामने 16,900 की पुट लगा के रखी है मैंने आपको, और इसके साथ में हम लगा लेते हैं आज बाजार की निफ्टी, ठीक है। बाजार निफ्टी में आज क्या हमने कहा था आपको याद होना चाहिए, मॉर्निंग में आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। 16,756 के आसपास मैं आपको कहा था प्लीज़ बुक प्रॉफिट्स, इट वॉज टोल्ड अराउंड 9:36 के बाद के आसपास मैंने कहा था। इस सुबह की मॉर्निंग सेशन की जो लाइव सेशन क्लिपिंग है, इस मेरे डायलॉग के बाद मैं डालने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी आप सभी को 4 मिनट का क्लिपिंग उसमें से कट किया आपके लिए, ताकि अगर आप पूरा 1 घंटे का नहीं देख सकते हैं, 1.25 घंटे के आसपास का, तो कम से कम उसमें आपको एक फ्लेवर पता लग जाएगा मैंने क्या कहा था। 9:36 पे आपको कहा था डॉजी कैंडल्स बनने वाली है, और 9:36 के आसपास अगर आप जाएंगे सुबह के बाजार में, ये देखिए ये वही टाइम है 9:35 9:36 ये डॉजी कैंडल्स बननी शुरू हो गई थी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसके बाद वो वीडियो को अटैच किया मैंने आपको कहा था डॉजी कैंडल्स बनने वाली है और डॉजी कैंडल्स बनी। 16,900 की पुट के ऊपर एडवाइस भी 9:36 पर, यहीं पर हमने 16,900 की पुट के ऊपर एडवाइस की थी, और हमने कहा था 9:37 पर कि प्लीज़ कोई बाय नहीं करेगा, बुक प्रॉफिट करेंगे, और वी वर क्लियर कि यहाँ से बाजार तोड़ सकता है। ये लेवल्स मैंने मार्क किए थे, 16,700 के नीचे तक बाजार जाने की कोशिश थी, और बाजार इस समय चल रहा है 16,611। कोई सोच नहीं सकता था बाजार यहाँ तक आने वाला, सुबह मैंने कहा था आपको, ये हिंट आपको दी थी कि हाँ ये बाजार टूटने वाला है, लाइव सेशन में प्रूफ है, कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं। 16,900 की पुट की हमने बात की थी भाई, 9:36 पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका प्राइस था 240 रुपये के आसपास में, 240 से 250 रुपये का प्राइस था जब हमने इसके बारे में बात की थी। और मैंने आपको 10:25 पे जब मैं सेशन एंड कर रहा था, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो 10:25 के आसपास मैंने कहा था 16,950 की, किसी व्यूअर ने पूछा था 16,950 की कॉल बेची क्या करें, मैंने कहा होल्ड कीजिए, वो डायलॉग भी इसमें आपको मिल जाएगा। 16,900 की पुट में मैंने आपको कहा था कि 16,700 और 16,600 के आसपास का सपोर्ट है, पर इतना भी बड़ा सपोर्ट नहीं है, वो टूट सकता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। देखिए वो सपोर्ट टूटा है, और यहाँ पे अब मैं आपको कहूँगा ये प्रॉफिट अगर आपने लिया है तो बुक कर सकते हैं, 327 के आसपास चल रहा है, मतलब 240 से 327। कैलकुलेट कीजिएगा इसकी कितनी रिटर्न आई है, अब आपके सामने है, यहाँ पे 327 चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारी 250 के आसपास मान लेते हैं, सपोज आपने थोड़ा ऊंचा 77 रुपीज़ आपने कमाए, 77 रुपीज़ आप कमा रहे हैं कितनी इन्वेस्टमेंट पे, 250 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, तो आपकी रिटर्न क्या 30% की रिटर्न एक दिन में, और ये आपने 77 पॉइंट जो आपने कमाए हैं, अगर आपने एक लॉट निफ्टी पे काम किया होता तो आपको यहाँ पे मिलते पूरे के पूरे 3,850। एक हफ्ते की फीस 2,400 रुपये रखी है मैंने, सिर्फ इसलिए था कि आप डेली कम से कम 50 पॉइंट निफ्टी के कमा सके मेरे साथ में, और एक हफ्ते की फीस तो सिर्फ 2,400 रुपये, और एक महीने की फीस सिर्फ 6,666। पीनट्स गाइस कुछ भी नहीं है, एक दिन के लॉस से बहुत ही कम है फीस, और प्लस उसमें मैं टिप्स नहीं देने वाला हूँ इसको, प्लीज़ कोई भी मिसअंडरस्टैंड ना करे इसको, टिप्स एडवाइजरी ना समझे, ये जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का एजेंट हूं, मैं आप लोगों का ब्रोकर हूं, जो लोग भी मेरे फायर्स के अकाउंट खोल रहे हैं, जो मेरे लिंक के थ्रू ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ट, पेटीएम मनी और इन सब चीज़ों में अकाउंट खोल रहे हैं, प्रेफरेबली फायर्स में, है ना, तो इन सब लोग, ये सब आप लोग मेरे क्लाइंट होने वाले हैं, तो मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ कि बाज़ार किधर जा रहा है, मैं आपको बोल्डली कह सकता हूँ कि आप बाजार में रुकिए, कि बाजार में से आपको निकलना है, क्योंकि YouTube का एक लिमिटेशन है, हम वी कैन नॉट गाइड, वी कैन नॉट एडवाइस इफ यू आर नॉट अ सेबी एडवाइजर और अ ब्रोकर। जब मेरे क्लाइंट होंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं तो सोचने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, एक दिन का लॉस ट्राई कर लीजिए, मेरे हिसाब से इट विल बी ए वेरी वेरी वंडरफुल जर्नी, क्योंकि पूरे दिन बात करने वाला हूँ, पूरे दिन आपको सलाह देने वाला हूँ, पूरे दिन आपको बताने वाला हूँ कि हाँ निकल जाओ यार। हमने अगर आप देखेंगे सुबह रिलायंस के बारे में हमने बात की थी, रिलायंस 2,800 के आसपास चल रहा था, हमारे एक व्यूअर ने कहा बेचूँ क्या, स्टॉक शॉर्ट मारूँ क्या, मैंने कहा 2,800 का स्टॉप लॉस लगाना, अगर वो हिट होता है तो आपको निकलना चाहिए, तो 2,815 तक चला गया, हमने कहा 2,820 तक जा सकता है, वापस 2,809 को जब तोड़ा उसने, तो अब देखिए 2,795 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो यही ताकत है बाजार में अगर हम सही से काम करते हैं। हमारे व्यूअर ने इन्फोसिस की कुछ कॉल्स रखी थी, 1540 के आसपास का प्राइस था, हमने कहा 1560 1600 के आसपास तक जा सकता है, बट एक बार में 1555 1560 के आसपास जाएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 1555 के आसपास गया बाजार, ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन डेटा। चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मेरा डायलॉग खत्म होगा, सुबह की जो लाइव सेशन की क्लिपिंग है, अगले 3 से 4 मिनट की क्लिपिंग है, इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, आप भी देखिए अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ट्रस्ट करते हैं तो कम से कम सुबह जरूर आइए, डेली एक ट्रेड जरूर मिलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो ट्रेड फ्री के सेशन में हो या वो पेड सेशन में हो, पेड सेशन में पूरे दिन की हैंड होल्डिंग, रूबरू होंगे, जूम मीटिंग होगी, और डायरेक्ट देखेंगे बाजार में कैसे रहना, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ट्रेड ले लें और कोई सपोर्ट मिल जाए तो शायद हमारी ट्रेडिंग आसान हो सकती है। चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में सुबह 9:15 पे, और बहुत ही जल्दी पेड ट्रेडिंग सेशंस में, तो प्लीज़ अपनी सीट्स को लॉक कीजिए, मंथली लेना है मंथली लीजिए, मंथली डिस्काउंट्स भी खत्म हो जाएंगे एक महीने के बाद में, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये डिस्काउंट खत्म होने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आज ही सीट को बुक कीजिए, अगले बार से हर हफ्ते की फीस 2,400 रुपये रहने वाली है, कोई डिस्काउंट्स नहीं होंगे,
नो मर्सी, सिर्फ मनी मेकिंग। चलिए मिलते हैं सुबह 9:15 पे, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आई एम ऑन टाइम, अ बिट लेट जस्ट बाय 1 मिनट, आई एम सो सॉरी। द स्ट्रीमिंग वॉज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, आई डोंट नो व्हाट वॉज द इशू, सो लेट मी चेक माई ऑडियो। आई थिंक इट इज, या इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बाजार ने निफ्टी सीधा 140 पॉइंट प्लस, 152 पॉइंट प्लस, क्या बात है। ये होता है गंदा गेम। कल आपको क्या कहा था कि शॉर्ट ट्रैप हो रहा है, इतना खतरनाक शॉर्ट ट्रैप हुआ है क्योंकि सब लोग जितने भी चैनल से, आई मेंशन यू लास्ट टाइम कि सब के सब बात करें 300 के नीचे चला जाएगा, 300 के नीचे चला जाएगा। वी आर वॉचिंग ऑप्शन चेन एंड वी कुड सी कि भाई ये खतरनाक गेम होने वाला है, शॉर्ट ट्रैप हो रहा है। लुक एट दी मार्केट्स अप बाय गैप। दोस्तों अभी जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक कीजिए, हालांकि लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप बाजार को कहां तक लेके जा सकता है वो इंटरेस्टिंग है, और कहां पे जाके हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग श्योरली आ जाएगी। आप समझ लीजिए कि देखिए मैंने आपको कहा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये रेड कैंडल्स क्यों बनती हैं, एंड गाइस दोज हु आर न्यू, लेट मी टेल यू, आई विल नॉट यूज इवन अ सिंगल इंडिकेटर, नो प्राइस सेक्शंस, नो इंडिकेटर्स, नो RSI, नो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, नो गोल्डन गेट, नथिंग, नो फिबोनाची, नथिंग। वी विल वॉच ओनली ऑप्शन चेन, खाली हम ऑप्शन चेन देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करने वाले हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से ही काम करने वाले, बिकॉज वी आर एक्चुअली रीडिंग द डेटा थ्रू ऑप्शन चेन। एंड दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी प्लीज ऑप्शन चेन की आदत डालिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, और कौन कहता है इंट्राडे में ऑप्शन चेन नहीं हो सकती। देखिए अब आपको मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट, अगर मैंने आपको एग्जिट कहा है तो अब देखिए आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, जस्ट कैलकुलेट। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन द लाइव सेशंस ऑल्सो, द पेड लाइव सेशंस। अपने को समझ में आएगा कि निकलना कहाँ से है, 787 से 765 आपको कम से कम 20 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, देखते हैं कहाँ कितना आ सकता है। लेट मी वॉच इट। मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप है, बहुत बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप है, और ये लॉन्ग बिल्डअप इनफैक्ट 17,000 तक लेके जाने की तैयारी है, 17,000 तक। अभी 17,000 की कॉल मत लेना उछल के एकदम से कि मैंने बोला 17,000 लेके बैठेंगे। गुड मॉर्निंग माधुरी जी, गुड मॉर्निंग नसीर भाई, गुड मॉर्निंग। अब समझिए कि बाजार में एक स्विंग होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। एक स्विंग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, बट अगर रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो इट विल नॉट सस्टेन। इंट्राडे स्विंग आपको पैसा दे सकता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 1540 के आसपास में अभी इंफोसिस चल रहा है ना, सनी सर कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, अपना प्रॉफिट लेते रहिएगा सर, ठीक है। ये अभी शॉर्ट कवरिंग चल रही है जो बाजार को ऊपर लेके जा रही है, और ये शॉर्ट कवरिंग अपने को कहां तक थमेगी वो देखने वाली बात है। इन्फोसिस में शॉर्ट कवरिंग कहां रुक जाएगी, एग्जैक्ट प्राइस आपको देता हूं जहां पे आपको अपनी पोजीशन से एक बार के लिए बाहर होना ही चाहिए। सर कीप बुकिंग प्रॉफिट, सर ये जो आपकी पोजीशंस हैं आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 1500-1600 तक भी जा सकता है सर स्टॉक ये, अगर बाजार में स्ट्रेंथ आनी है। निफ्टी को 17,000 अगर क्रॉस करना है तो इन्फोसिस विल बी अ प्लेयर सर। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर जा रहा है सर, इट शुड नॉट बी हेयर। तो अगर 10 लॉट है तो कीप बुकिंग अ पार्शियल प्रॉफिट्स, आई वुड रिकमेंड। 16,780 चलने दीजिए, शॉर्ट कवरिंग चल रही है बाजार में भाई, कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएगा और शॉर्ट तो कोई नहीं मारेगा, कोई शॉर्ट नहीं मारेगा बाजार में पोजीशंस। 17,000 टच करने की बारी है, आज कोशिश है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर क्या कहता है निफ्टी के बारे में, देखिए उस दिन 16,400 के ऊपर जो सपोर्ट बना उसके बाद दो लेवल ये कली टच हो गया, 1 और 2। अब 16,641 क्रॉस हुआ है तो इसके ऊपर में 1 और 2, पहला गैप से गुला 770 उसके ऊपर ही चल रहा है, सेकंड 16,900, 17,030 ये टारगेट हमारे इंटैक्ट हैं। तो 16,641 के ऊपर जब तक बाजार है समझ लीजिए कि 16,700 और 16,900 के लेवल हमारे आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एंड वी ट्रस्ट आवर कैलकुलेटर गाइस। अभी यहाँ पे डॉजी कैंडल्स बनने वाली हैं आपकी, ठीक है ना, ये डॉजी कैंडल्स बनेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो बाजार को नीचे लेके आएंगे, जो पुट राइटर्स हैं वो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, राइट।
लुक तो दिस डॉजी कैंडल फॉर्मेशन विल कीप ऑन हैपनिंग हियर और बाजार यहां पे अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर ही है, कोई फ्रेश मूव अब में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है तो यहां पे बाजार क्योंकि 16,800 के आसपास में है तो हम एक इन द मनी ऑप्शन लगा लेते हैं, निफ्टी 16,800 की पुट लगा लेते हैं क्योंकि बाजार टॉप पे है तो वी माइट गेट ए चांस, और उसके बाद में हम 16,900 की 900 की पुट को भी एक लगा लेते हैं। ठीक है 16,800 और 16,900 के पुट, ठीक है तो दो हमने लगा दिए हैं। ठीक है ये पुट हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, गाइस आई एम टेलिंग यू कि डॉजी कैंडल्स बनने वाली है। देखिए कोई भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता कि डॉजी कैंडल बनने वाली है, ये कैंडल का कलर कैसा रहने वाला है। 148 गाइस थैंक यू लव यू गाइस थैंक यू गॉड इज काइंड। पंकज झा गुड मॉर्निंग गुरुदेव गुड मॉर्निंग ब्रदर रब दी मेहनत कैन वी हैव बाइंग इन दिस लेवल, नहीं भाई बाइंग नहीं कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी फिलहाल, बाइंग का मोमेंटम नहीं बना है अभी, जो कल रात को कोई लेके गया है तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम तो है श्योरली है, अभी क्लियर कट बाइंग अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सोलह था 950 से कॉल बेचा है सर होल्ड करो, सोलह हजार नौ सौ का पुट लिया है। ठीक है स्टॉप लॉस के साथ काम करना, अभी देखो ब्रेक इवन क्या बना है, 16,950 में से 250 माइनस करो तो 16,650 के नीचे एक्सपायरी होगी तो हमें प्रॉफिट आएगा, ध्यान रखना 16,600 के आसपास में सपोर्ट है पर उतना भी सपोर्ट नहीं है, उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, बाजार यहां से 710 720 के आसपास 700 को तोड़ता है तो आपको इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा प्लीज़।